अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ड्राइविंग लाइसेंस जो होता है वो बनाना है इट्स नॉट अ बिग डील, बहुत आसानी से बन जाता है। लोग अक्सर परेशान होते हैं और जो है कोई रेफरेंसेस तलाश करने में लगे रहते हैं, तो आप लोगों को मैं बताने लगा हूँ कि आप लोगों को पहले लर्निंग लाइसेंस बनवाना होता है और उसके बाद एक पक्का लाइसेंस होता है वो बनवाना होता है। तो लर्निंग के लिए आप जाएंगे अपना NIC लेके, वहाँ पर आप जब जाएंगे तो वो आपका जो है एक सर्जरी सा मेडिकल टेस्ट लेंगे और उसके बाद आपको लर्निंग लाइसेंस इशू कर देंगे जो कि 15 मिनट का काम होगा। अब लाइसेंस होती है, लाइसेंस की कैटेगरीज क्या होती हैं? कैटेगरीज होती है एक मोटरसाइकिल, दूसरा होता है मोटरसाइकिल एंड कार, तीसरा होता है मोटरसाइकिल एंड LTV और चौथा होता है HTV यानी हैवी ट्रैफिक। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप लोग मोटरसाइकिल प्लस LTV बनवाएं, वो इस वजह से कि मोटर कार के अंदर आप छोटी कारें चला सकते हैं, जो बड़ी फोर व्हील होती है जैसे वीगो हो गई इस तरह की जो होती है ये LTV के अंदर आता है। तो इसलिए मैं सबको सजेस्ट करता हूँ मोटरसाइकिल प्लस LTV बनवाएं। आपने जो है जाके लर्निंग बनवा लिया, राइट आफ्टर 45 डेज आप जाएंगे फिर वापसी लाइसेंस ऑफिस, वहाँ जाएंगे तो वहाँ पर मेन काउंटर होगा, मेन काउंटर पर आप जाएंगे अपना टोकन इशू करवाएंगे, टोकन इशू हो जाएगा उसके बाद वो आपको एक चालान देंगे और एक पेपर देंगे जिसका बाद में कंप्यूटराइज टेस्ट लिया जाएगा। खैर आपने जो है अपना आपने टोकन लिया, साथ ही बैंक चालान होगा, बैंक का काउंटर होगा, वहाँ पर बैंक चालान जमा करवा दें। आपने बैंक चालान जमा करवाया, चालान जमा करवाने के बाद आपके पास नेक्स्ट काउंटर पर आने के लिए थोड़ा सा टाइम बचेगा, तो आपके पास जो सवालात हैं वो रीड करें। 100 सवालात का पेपर होगा और उसके अंदर 33 सवाल यानी 33 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि सही होंगे। वो किस तरीके के होंगे कि राइट ग्रीन सिग्नल के ऊपर जो है ट्रैफिक चल जाती है, बिल्कुल सही, और इसी तरह रेड के ऊपर बंद हो जाती है, बिल्कुल सही, लेफ्ट यानी एक इशारा बना हुआ होगा ये उल्टे हाथ पे जाने का इशारा है, बिल्कुल सही। इस तरह के 33 सवाल होंगे जो कि सही होते हैं। आपको क्या करना है, सिर्फ जो सही सवाल आते हैं ना 33 वो रीड करने, वो आपके दिमाग में ऐसे ही बैठ जाएंगे आसानी से। और अगर आप और अच्छा समझना चाहते हैं तो एक ड्राइविंग लाइसेंस की एप्लीकेशन अपने मोबाइल में डाउनलोड करें, ये सारे सवाल उसमें भी लिखे हुए होते हैं, आप जाने से पहले एक दो दफ़ा रीड कर लें। खैर आप जाए वहाँ पर जाके दूसरे काउंटर पर आपकी इंफॉर्मेशन ली जाएगी, तीसरे काउंटर पर आपकी तस्वीर ली जाएगी, चौथे काउंटर पर कंप्यूटराइज टेस्ट होगा जो कि उन 100 में से 30-35 सवाल आए हुए होंगे। आप जाएँ उसके अंदर बैठ के यस नो करें, वो क्वेश्चन वो स्टेप वहाँ ख़त्म होगा, उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल के अंदर आपसे बस आँखें टेस्ट करेंगे और आपको देखेंगे, ये करने के बाद आपको जो है आपका ड्राइविंग लाइसेंस इशू कर दिया जाएगा। उस टाइम पे टेम्प्रेरी फॉर द 10 डेज आपको इशू किया जाएगा, आफ्टर 10 डेज पक्का सर्टिफिकेट आपके घर पे आ जाएगा, अदरवाइज आपको जो है ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच से अपना ड्राइविंग लाइसेंस को जो है वो हासिल करना होगा। ये बहुत आसान तरीका है, तो इसके लिए लोग घबराएं ना, अपने जो है स्टेप्स फॉलो करें और जाके लीगली जो है 2000 रुपये तक की फीस होती है, लीगली अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लें, खास इससे बचने के लिए कि लोग रेफरेंसेस ढूंढें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।